बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ते की हाल चाल है तुहाडे सब दा। उम्मीद करनी है कि तुसी सब होगे खैरियत दे नाल। ते अज जनाब एक बड़ी डिफरेंट जी रेसिपी मैं ट्राई कर रही हाँ, पहली दफ़ा कर रही हाँ, देखो इहदा रिजल्ट की निकलेगा। असी जनाब 3 गिलास पानी लेने, अज डिफरेंट टाइप का असी पुलाव बना रहे हाँ। इहदे विच पानी दे विच ही असी पा देंगे 1 चम्मच नमक का, और इहनू तुसी ट्राई भी करना वे। 1 चम्मच असी नमक का पाया वे, क्योंकि 1.5 गिलास मेरे को चावल ने और चावल भिगोए हुए तकरीबन मैं 15 मिनट हो चुके हैं, मज़ीद 15 मिनट होर भिजेंगे यानी कि अद्धा घंटा होएगा पूरा, और चावल फिर साढ़े पिग जाएंगे। हूँ असी ये ऐड करांगे जी ऑयल, और ऑयल जरा वे चावलों के हिसाब न ही असी पाना वे, और देखने कि जनाब अज का तजर्बा कैसा रहा वे। हमेशा पुलाव असी अपनी मामा के तरीके नाल ही बनाने हैं। तकरीबन 1 डोई तुसी इहदे विच ऑयल पाओगे, बस कर सी तरह। अच्छा, हुण असी इहदे विच ऐड कर देंगे जनाब मेरे कोल वे साबत गरम मसाला है, सुक्का धनिया है। साबत गरम मसाला है, सुक्का धनिया मैं कुटिया होया लिया है। 2 मेरे कोल कनोर दियां टिक्कियां ने, असी ये इहदे विच ऐड कर देंगे। फिर जनाब असी ये पावांगे 1 चम्मच लसन ते अदरक का पेस्ट, हुण असी ये ऐड कर देंगे जी प्याज टमाटर ते हरी मिर्च। ए जनाब असी शामिल करता है प्याज टमाटर ते हरी मिर्च। मेरे को टमाटर ने 2 अदद, सब्ज़ मिर्चा ने 4, 1 मेरे को मीडियम साइज़ का प्याज वे। हूँ असी ये ऐड कर देंगे 1 प्याली मटर। तुसी कहोगे कि बाजी पता नहीं किहड़ा तजर्बा कर रहे हैं, और मैं उम्मीद है कि मेरे राइस बड़े मज़े के बनेंगे। हूँ जनाब असी ये शामिल करांगे 1/2 kg चिकन। चिकन में मैं कोई नहीं भुनिया होया। एलो जी ए तमाम चीज़ा असी ये ऐड कर दितियां ने। हुण असी इनू पकण दांगे, जिस तरह यखनी पकदी है ना असी इनू भी इस तरह इत्थे पकण देवांगे। नाल नाल देखते जाओ कि मज़ीद असी इहदे विच की करांगे। हुण मेरा ख्याल कि बॉयल आना शुरू हो गया है। हाँ जी, और असी इनू चंगी तरह पकण देवांगे। कदी तुहानू बड़ा ही अचानक पकाना पै जावे, मैं तुहानू खा के दसांगी कि इहदा टेस्ट किस तरह का बनिया वे। तो यह वे कि तुसी फटाफट इनू इस तरीके नाल पका सकते हो। तो नवी नवी चीज़ों भी ट्राई करना चाहिए वे सानू, कि असी होर इनू किहड़े तरीके नाल खाने नू असी बना सकते होंगे। ठीक है जी, एक दफ़ा मैं लाहौर हॉस्पिटल एडमिट सा, सर्विसिज हॉस्पिटल, तो उत्थे एक अम्मा जी आते होंगे सन जो कि उत्थे आई थिंक के वार्ड दे विच रहिंदे सन, वो किचन वगैरह नू देखते होंगे सन। तो वह मैं कहन लगे कि बेटे मैं तो ना, उन्हां दी इक्को ही बेटी सी, तो कहते हैं बेटे मैं तो हांडी बनानी है ना, सारा कुछ बिच पा के तो रख दिनी हाँ। तो कहते हैं सारा कुछ पा के रख दिनी हाँ हल्की अग ते, कहते हैं आप अपने नमाज कुरान च लगी रहनी हाँ, तो हांडी मेरी इन्नी मज़े की बनती। और वाकई जड़ियाँ उत्थे स्टाफ सन ना, उन्होंने मैंने कहा कि ये बिल्कुल सही कह रही हैं, इनके हाथ के खाने की तो क्या ही बात है। तो वेखो ना उन्हों का किन्ना सोहना अंदाज, कि मैं जो पकानी हाँ हल्की अग ते रख के तो नमाज कुरान वाल लगी रहनी हाँ, तो जो मेरी हांडी तैयार होंगी है तो कहते हैं पूरे महल च खुशबू हो जाती है। और मेरे को आंढ गवांढ दियां बीबियां कहंदियां होंदियां ने कि आपा जी खाना बहुता पकाया करो, तुहाडे हाथ दा स्वाद पता नहीं साढ़े हाथ च क्यों नहीं आता। तो बिस्मिल्ला पढ़ के पकाना, तो अल्लाह की आस ते रख के बह जाना, अल्लाह नू याद करन, तो फिर उहदे च जायका तो आप ही आएगा। तो अज असी भी कुछ इहो जिहा काम कर रहे हैं। हुण इत्थे फ्लेम जिहड़ी है मैं ज़रा स्लो कर देवांगी, ताकि चिकन भी और मटर भी और तमाम जिन्ने असी अज्जा इहदे विच ऐड कीते ने इन्हां दा अच्छी तरह रस निकल के इस यखनी दे विच शामिल हो जाए। और असी इंज ही इहदे विच राइस ऐड करांगे, इहनू असी बिल्कुल भी नहीं छानना। ठीक है, ये गल अपने ज़हन विच रखना। आलूओं की बहार, जनाब बाबू मेरे वास्ते आलू तोहफा लेके आए।
बेटे जरा दिखाओ मुझे, आलूआं नहीं हो रही है पुटाई, ऐ देखो रमजान शरीफ आने से पहले पहले तोहफे आने लग गए ने, वेखो ना अल्लाह की जात का करम है। बहुत शुक्रिया बेटे, अपनी शक्ल दिखाओ जरा वीडियो में, वीडियो में शक्ल दिखाओ अपनी। आलू खा खा के हम पागल हो सारे, नहीं लेट होने होने दम लग जाना, मुकद ही नहीं बहु, मुकद ही नहीं। एक चम्मच असी बटर ऐड किया, हुण मैं उपर ढक्कन दे देवांगी और दम दे वक्त फिर तुहानू विखावांगी। इसे तरह धनिया ते पुदीना भी पा दे, और ऐसे पॉइंट ते तुसी धनिया ते पुदीना भी इहदे विच ऐड करना। तुसी अगर नहीं पाना चाहते बेशक ना पाओ, मगर मैं ऐड करनी है क्योंकि उहदे नाल इहदा टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार आता है। तू इहनू सवेरे लै जा, वो इहदा करवा दे सी, चलो ईद तक रोज़ जां तक तुहाडे पैसे बन जा सी। ਤੇ ਲੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੀਸਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਮ 'ਤੇ। ਬਹੁ ਬਸ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਸਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਬਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ बस 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 ये दिखते बड़े कि हूँ सवेरे तू ना ओनू लैके जा उ, हाँ ओनू लै जा मेन जी दफ्तर, वो लै जा सी रियाना थानू ते ओ बनवा दे सी। चलो ईद आंदी पई है, कुछ है बन जा सी, चलो मैं कर दे। ओनू पता है पे उन्हें अज भी मैंने पूछा है भी आए कोई नहीं, ओके भाई जी अल्लाह हाफिज़, चल जींदा रहो मेरा बच्चा। लो जी चावल साढ़े तैयार ने, दम मैं खोल दिता है, हुण मैं तुहानू खा के दसनी है भी किस तरह के बने ने। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਪਲਾਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।